अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वरकातुहू। जो हर जर्रे को करे रोशन उसे महताब कहते हैं, आपके इस दोस्त इस नाचीज को शहाब कहते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ असलम भाईजान का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर कुछ लबसाई कर सकूँ। उनकी इजाज़त और दुआओं का समरा है कि मैं आप तक एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग हौसला अफजाई फरमाएं, तवज्जो चाहूँगा। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा, तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा, दिल उसका भला कैसे काबू में रहा होगा, दिल उसका भला कैसे में रहा होगा। जब मेरी मोहब्बत में दिल उसका दुखा होगा, जब मेरी मोहब्बत में दिल उसका दुखा होगा, उन झील सी आंखों का होगा, उन झील सी आंखों का काजल भी बहा होगा। हमारी बहुत सी बहनें बैठी हुई हैं और उन्हीं की नजर करता हूं, ये शेर तवज्जो चाहूंगा। सखियों ने बहुत उसको मजबूर किया होगा, सखियों ने बहुत उसको मजबूर किया होगा, तब नाम मेरा उसने शर्मा के लिया होगा, तब नाम मेरा उसने शर्मा के लिया होगा। आने की खबर मेरी जब उसने सुना होगा, आने की खबर मेरी जब उसने सुना होगा, उस वक्त खुदा जाने क्या हाल हुआ होगा। मैं शायर आवारा अहमद जिसे कहते हैं, मैं शायर आवारा अहमद जिसे कहते हैं, वो तुमको ख्वाबों में अक्सर ही मिला होगा, जब रात को यादों की पुरवाई चली होगी। अक्सर जब हम अपने मसरूफियात से फारिग होकर रात को सोते हैं, तकिया लगाते हैं, तो हमें दिन भर की सारी बातें भुलाकर कुछ अलग जज्बात एहसासात हमारे अंदर पनपती है और हमें कुछ याद आते हैं। उसी की नजर, जब रात को यादों की पुरवाई चली होगी, उन नाजुक धड़कन में तूफान सा उठा होगा, उन नाजुक धड़कन में तूफान सा उठा होगा, जब उनके मकीनों को टुकरा के च
चलाया जब उनके मकीनों को टुकरा के चलाया मेरे लिए उस घर का दरवाजा खुला होगा मेरे लिए उस घर का दरवाजा खुला होगा तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा दिल उसका भला कैसे काबू में रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।